हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का हिंदी मीडियम और समतल में गति जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति पर आज का हमारा पूरा वीडियो सिर्फ प्रक्षेप गति पर बेस्ड होगा। और पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रक्षेप गति 11th क्लास फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE NEET ऐसा आप एग्जाम इमेजिन नहीं कर सकते जिसमें प्रक्षेप गति से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। मैं बताने से पहले थोड़ा इसके एप्लीकेशन आपको बता दूं। प्रक्षेप गति पूरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का या एरोनॉटिक्स फिजिक्स का पार्ट होता है। जितना भी नेविगेशन है, जिसे हम जैसे हम मिसाइल बनाते हैं तो मिसाइल का रेंज कितना होता है, या कोई फाइटर प्लेन्स है, कोई पायलट यदि बमबार्डिंग करता है, बम गिराता है तो कितना दूर जाके गिरेगा, या हम किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी मिसाइल को लॉन्च करें तो उसका रेंज कितना होगा, ये जितना भी आप सुनते हैं ये सब के सब प्रक्षेप गति से रिलेटेड है। बाद में आज के वीडियो में हम इसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में जब इस पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन आपसे न्यूमेरिकल्स तभी बनेगा जब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति होता क्या है? देखो, गति तो हम जानते हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की गति है जिसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देखिए, आपने अपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप क्रिकेट खेलते समय जब बॉल को आप थ्रो करते हैं, तो जैसे ही आप बॉल को अपने हाथ से थ्रो करते हैं तो आप उस बाल के पथ को, गति के पथ को आप देखते होंगे, तो उस प्रकार से उसका पथ ऐसा होता है। आपने यहाँ से बाल को थ्रो किया तो बाल इस दिशा में गति करते हुए मोशन करता है। या हम किसी ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर से किसी वस्तु को ऐसा फेंक दें, क्षैतिज दिशा में फेंक दें। सपोज हम कहीं पर ऊंचे टावर में खड़े हैं और यहाँ से सपोज हम किसी बाल को इधर फेंक दें तो बाल इस प्रकार से गति करते हुए नीचे आता है। तो आप ये दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि इसका जो पथ है इस प्रकार से कर्व है, और यहाँ जो कर्व बनता है, जो कर्व का डिज़ाइन यहाँ बनता है, उसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में परवलय कहते हैं। ये जो पथ है, ये जो आकृति है, ये परवलय का एक पार्ट है। परवलय एक प्रकार का डिज़ाइन है जो इस प्रकार से होता है। ये आपको ये सब चीज़ को समझना है तो आप, मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पर ग्राफ, ज्योमेट्री एंड ग्राफ पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर परवलय क्या है, दीर्घवृत्त क्या है, वृत्त सब के बारे में डिटेल में बताया है। मैं अपने खासकर 11th क्लास के हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि फिजिक्स के हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए वो 5 वीडियो मेरे देखने चाहिए जो मैंने फिजिक्स के फाउंडेशन के लिए बनाया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर देखिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, इसका लास्ट नंबर का वीडियो मैंने ग्राफ पर बनाया है, तो सब आपको वहाँ से मिलेगा। देखिए, वही फिजिक्स समझने का हमारा रिसोर्स है, वही रिसोर्स है, इसलिए रिसोर्स स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो ये है परवलय की आकृति, तो इस प्रकार से गति करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखे होंगे, यदि किसी वस्तु को हम सीधा ऊपर फेंक दें, जैसे इस मार्कर को ऊपर फेंकूँ तो ये इस प्रकार से कर्व में गति नहीं करेगा, वो सीधा मेरे हाथ में आके गिरेगा, दैट मीन्स ऊर्ध्वाधर को छोड़ के। तो परिभाषा क्या होगा प्रक्षेप गति का? इस प्रकार से हम प्रक्षेप गति का परिभाषा कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त मतलब उसको छोड़ के किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो उस वस्तु का जो पथ होता है वक्र होता है, जो परवलय का आकार होता है, मतलब प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और इसके पथ को प्रक्षेप्य कहते हैं। क्लियर? यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो पिंड की गति का पथ परवलयाकार होता है, जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, तथा पिंड के पथ को प्रक्षेप्य कहते हैं, यह कहलाता है प्रक्षेप गति।
अब देखें प्रक्षेप गति हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है यदि किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाए, क्लियर, मतलब क्षैतिज प्रक्षेप, यदि हम क्षैतिज दिशा में उसको फेंके तो पहला, तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्षैतिज प्रक्षेप या प्रक्षेप हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल यदि इस तरह से फेंका जाए तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पार्ट पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके आप समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, देखिए सपोज ये कोई ऊंचाई है और ये क्षैतिज है, मतलब ये धरातल है, इसको मैं सेम कलर में बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान देंगे ताकि मैं अलग अलग चीज़ों को अलग ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये है हमारा ऊंचाई और ये क्षैतिज, ये मूल बिंदु है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है। अब यहाँ से हमने सपोज किसी पिंड को इस दिशा में फेंका और इसका जो प्रारंभिक वेग है, इस प्रारंभिक वेग को ले लिया हमने u, इसका इस दिशा में प्रारंभिक वेग है, ये इसके प्रारंभिक वेग की दिशा है। इसका जो मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज ले लिया y, ये y है जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ये h के बराबर है। अब क्या होगा, ये जो प्रक्षेप जो इसको इधर हम फेंकेंगे वो इस प्रकार से गति करता हुआ पृथ्वी पर आके गिरेगा, ये क्षैतिज धरातल है, इस प्रकार से हम उसको लाइनिंग करके शो करते हैं, ये तो इस प्रकार के पथ में वो गति करेगा, क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक मतलब एक्स एक्सिस में जो दूरी तय करेगा अपने प्रारंभिक स्थिति से उसको हमने सपोज मान लिया एक्स, जिसको बाद में हम क्षैतिज परास कहेंगे, तो बाद में उसको मैं समझाऊंगा। ये फिगर को और हम जरूरत के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। अब देखो ये जो प्रक्षेप गति होता है एक्चुअल में टू डायमेंशन मोशन होता है, द्विमी गति है, मैंने इसको पहले वीडियो में आपको बताया है कि द्विमी गति क्या होता है। तो इसके दो घटक निकलेंगे x के लिए और y के लिए, तो टू प्रक्षेप गति ध्यान रखना हमेशा यह टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो दो पार्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे, पहला क्षैतिज दिशा में, पहला है क्षैतिज दिशा में, और क्षैतिज दिशा मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा क्या है, क्षैतिज दिशा है। तो इस दिशा में हम पहले इसका घटक निकालते हैं, तो यहां पर आप देखो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। यहां पर एक बात आप ध्यान देना कि पिंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो इस पर क्या है, गुरुत्वीकरण कार्य करता है इस प्रकार से, जिसके कारण ये पिंड क्या होता है, नीचे गिरता है। ये फार्मूला हम वहाँ पर लगा दें, दैट इम्प्लाइज s क्या है, विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या है इसका, x, क्षैतिज दिशा में ये x विस्थापन तय किया तो ये x हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में ये क्षैतिज दिशा है तो x, क्षैतिज दिशा मतलब x एक्सिस में इसका वेग क्या है, u है, टाइम t है, और प्लस यहाँ पर देखिए 1/2, और ये जो a है ये हो जाएगा एक्चुअल में जी टी स्क्वायर। क्यों जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरण साधारण त्वरण नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो ये क्षैतिज दिशा है ये, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, तो क्षैतिज दिशा में ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जीरो होता है इंटू टी स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना कि क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता, इसलिए उसका मान शून्य हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये तो पूरा जीरो हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा u इंटू टी, दैट इम्प्लाइज यहाँ से t का मान निकालें तो हो जाएगा x अपॉन u, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने रिलेशन फर्स्ट निकाल लिया। वैसे इसको गति के प्रथम समीकरण से भी निकाला जा सकता है लेकिन मैं दोनों में द्वितीय का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, सेकंड ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जिसको हम बोलेंगे y एक्सिस, ऊर्ध्वाधर दिशा क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस में इसी को पुनः हम लगा दें
तो पुनः सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर, इसको लगाएं, दैट इम्प्लाइज ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में s क्या है, y है। देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में हम y विस्थापन से रखें उसको, और उस दिशा में वेग का घटक शून्य है। क्यों? क्योंकि हम पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, इसलिए इस ऊर्ध्वाधर दिशा में u का घटक क्या है, प्रारंभिक घटक शून्य होगा, तो जीरो हो गया। अब प्लस वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वन पॉइंट टू जी। अब यहाँ से टी का मान हम यहाँ से ला के रख देते हैं, समीकरण ये नंबर एक्स है तो एक्स अपॉन यू है, तो टी के मान यहाँ पर रख दें, एक्स अपॉन यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वन पॉइंट टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, एक्स यहाँ चर राशि है, और इस चर राशि को छोड़ के ये जो मैं रेड इंक से घेरा ये सब क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो उसको हम कोई नया नियतांक मान लें, तो देयर फॉर वाई इक्वल टू लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमने बी माना है किसको, जी अपॉन टू यू स्क्वायर को हमने बी माना है, जो कि एक नियतांक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आया, ये जो इक्वेशन है वो परवलय का समीकरण है, तो नीचे हम लिखेंगे जो कि परवलय का समीकरण है। अब चूंकि ये परवलय का समीकरण है, हम जानते हैं परवलय के बहुत से समीकरण होते हैं, ये सब मैं अपने उस वीडियो में पढ़ाया हूं, एक बार आप उसको जरूर देख लीजिए। तो ये क्या है, परवलय का एक समीकरण है, और जब इसका पथ जिसको हम बिंदु पथ कहते हैं वो परवलय का समीकरण हो गया, मतलब उसका पथ क्या हो जाएगा, परवलय का हो जाएगा, फिर अपन लिखेंगे अतः प्रक्षेप का जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और क्वेश्चन में यदि कंडीशन लगा दिया जाए कि क्षैतिज प्रक्षेप, जब उसको क्षैतिज दिशा में फेंका गया है तो आप ऐसी बनाओगे, क्योंकि इसके बाद हम तिर्यक प्रक्षेप पढ़ेंगे, क्लियर। तिर्यक प्रक्षेप मतलब उसको जब उसको जमीन से फेंका जाता है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कुछ कुछ फार्मूले भी हमको और डिराइव कर रहे हैं, देखिए तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए, वैसे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा 11th के नोट्स में। और इसके बाद हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसका तो हमको भी जरूरत है, और फिर इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें जो कैलकुलेट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन वो है उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइंग। उड्डयन मतलब होता है उड़ना, पहला कैलकुलेशन हम करेंगे इसमें उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। उड्डयन काल का परिभाषा क्या होगा, देखिए जैसे मैं इस मार्कर को फेंक दिया, तो जितने देर तक ये फ्लाइंग कंडीशन में रहा, मतलब जितने देर तक ये उड़ा मतलब हवा में रहा, तो स्टार्टिंग से एंड के बीच में जितना वो डिस्टेंस लेता है, थ्रो करने के बाद फिर जब रुकता है उसमें जितना समय लेता है उसको उड्डयन काल कहलाता है। मतलब यहाँ चित्र में हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय है वो क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। इसमें हम सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगा दें, फिर द्वितीय समीकरण, चूँकि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी फार्मूला को लगा दें, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर s क्या होगा जाएगा, देखिए यहाँ पर s मतलब विस्थापन किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इसको हम यहाँ से फेंके हैं और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, उड्डयन काल मतलब हम यहाँ से फेंके हैं और यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस दिशा में क्या है उसकी, उसका विस्थापन y है जो कि क्या है, h है, y को हम उसको हाइट भी कह रहे हैं, तो s के जगह में क्या लिखेंगे, h इक्वल u, इसका प्रारंभिक वेग है, तो क्षैतिज दिशा में इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा की, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा u का मान, और प्लस ये हो जाएगा वन पॉइंट टू जी, और इसको कैपिटल T लिख लिए जो कि यहाँ पर क्या है, उड्डयन काल है, ये समय है। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू एच अपॉन
जी, 2h अपान जी, दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपान जी। ये हो जाएगा इसके उड्डयन काल का फार्मूला, t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपान जी। सेकंड इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इसमें फार्मूला डिराइव हो रहा है सब आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड टॉपिक है इस पर क्षैतिज परास, क्षैतिज परास इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास। ये क्या होता है देखिए, क्षैतिज परास का मतलब होता है क्षैतिज दिशा में ये जितनी दूरी तय करता है, ये इसका प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, और क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है x, उसी को हम क्षैतिज परास कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं किससे, r से। जैसे ये h है और ये क्या है, r है। तो क्षैतिज परास का मतलब होता है क्षैतिज दिशा में तय किया गया विस्थापन या दूरी। तो यहाँ पर फिर हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा दें, यह डायरेक्ट फार्मूला निकल जाएगा। तो r बराबर, मतलब r माने यहाँ पर दूरी हो गया, दूरी बराबर हो जाता है वेग गुणित समय। तो क्षैतिज दिशा में वेग क्या है, u है, तो हो जाएगा u, और टाइम क्या होगा, उड्डयन काल जो हमने यहाँ से निकाला है इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू हो जाएगा u इंटू रूट ऑफ 2h अपान जी। ये है उसका क्षैतिज परास। तो ये क्षैतिज परास निकल जाएगा। देखिए इस तरह से सेकंड इसमें फार्मूला कैलकुलेट करते हैं अपन क्षैतिज परास का, और थर्ड नंबर का इसमें हम फार्मूला तैयार करते हैं किसी क्षण पर पिंड का वेग, किसी क्षण पर वेग मतलब प्रक्षेप का वेग, पिंड मतलब यहाँ पर प्रक्षेप का वेग, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, उसको प्रक्षेप ही कहते हैं, प्रक्षेप का वेग किसी क्षण पर। किसी क्षण का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। देखो ये लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लगातार गति करते हुए सपोज वो किसी पोजीशन पर पहुंचा, सपोज हमने यहाँ पर ये पोजीशन ले लिया इसका, ये अभी किसी क्षण में ये पिंड यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग कितना होगा हमको निकालना है। तो यहाँ पर वेग का निकालने के लिए, वेग की दिशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा और ये इसकी वेग की दिशा है। अब यहाँ पर इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक निकालें तो ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा जिसको हम वी एक्स कह सकते हैं, और ये नीचे की ओर हो जाएगा वी वाई जो कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। अब यहाँ पर जो क्षैतिज घटक है वो परिणामी वेग के साथ में, मान लो यहाँ पर कोण बना रहा है ये बीटा, ये बीटा कोण है जो उसका दिशा बताएगा। अब यहाँ पर हम एक डाल देते हैं लंब, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज में आप देखो ये जो V है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये V, ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से इसलिए V बराबर हो जाएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दैट इक्वल, परंतु यहाँ पर आप देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का मैं प्रथम समीकरण लगा दूं तो यहाँ पर देखो वी एक्स का जो मान है, वी एक्स का मान तो u, क्योंकि ये इसकी क्षैतिज दिशा है और क्षैतिज वेग क्या है, u है, तो वी एक्स यहाँ पर u है, अलग अलग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर तो आपको ढंग समझ में आएगा, बट वी एक्स इक्वल टू यू एंड वी वाई इक्वल टू, तो वी वाई इक्वल टू इस फार्मूला से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला यदि हम लगा दें गति का प्रथम समीकरण वाई डायरेक्शन में इसके लिए, तो यहाँ पर देखो वी और ये जो यू है वो जीरो है क्योंकि वाई अक्ष में, वाई अक्ष में वेग नहीं है, वो एक्स एक्सिस में है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ए यहाँ पर त्वरण है जो कि टी है, ए ए जी है, और टाइम क्या हो जाएगा टी, माने वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। देयरफॉर इस मान के यहाँ पर हम भर दें तो वी बराबर निकल जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये हो जाएगा किसी क्षण पर पिंड का वेग, किसी क्षण पर पिंड का वेग। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना के या इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए कहाँ से लिखा हूँ मैं, तो वेग के बाद हम निकाल लेते हैं इसकी दिशा,
कि उस समय उसकी दिशा क्या होगी, ये सब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा उस टाइम में दिशा। तो ये इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा है जो कि बीटा क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे टेन बीटा और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बीटा का सामने लंब ये है जो कि क्या है वी वाई है, तो ये लंब का वैल्यू हो जाएगा वी वाई, ये वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट इम्प्लाइज टेन बीटा इक्वल टू वी वाई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर रखें क्या जी टी, तो हो जाएगा जी टी अपॉन वी एक्स का वैल्यू क्या यू। देयरफॉर बीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो टेन उधर जाकर टेन इन्वर्स हो जाता है, तो टेन इन्वर्स जी टी अपॉन यू, ये हो जाएगा दिशा निकालने का फार्मूला। तो ये हमने क्या क्या फार्मूला इसमें निकाला, देखो सबसे पहले तो हमने निकाला कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, फिर उड्डयन काल, ये उड्डयन काल का फार्मूला है, फिर क्षैतिज परास, ये क्षैतिज परास का फार्मूला है, और इसके बाद फिर किसी क्षण पर प्रक्षेप का वेग, ये होता है, और उसी टाइम पर किसी क्षण पर उस प्रक्षेप की दिशा, तो दिशा इससे निकलेगा। तो ये एग्जाम में आपके स्कूल एग्जाम में, देखो स्कूल एग्जाम को मैं मैटर नहीं करता, मेरे 11th क्लास में स्कूल एग्जाम कोई टारगेट नहीं है, मैं कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को IIT JEE नीट को फोकस करके आपको पढ़ाता हूँ। तो ये कम्प्लीट मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ा रहा हूँ, उसी हिसाब से आप इसको पढ़िए। स्कूल में आपके टीचर्स इसको पूछते हैं नहीं पूछते हैं डजंट मैटर, उसे हमको ज़्यादा लेना नहीं है। तो आप ध्यान रखिए इनके बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्लियर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक मतलब जब पिंड को क्या हो नीचे से फेंका जाए। देखिए ये कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर क्लियर करिए अच्छे से तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपने इतना एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि प्रक्षेप गति के जो न्यूमेरिकल्स उसके बहुत स्टैंडर्ड हैं। और अपन जब IIT JEE के लिए अपन क्लास लेते हैं तो स्पेशली हम प्रक्षेप गति को फोकस करके पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि ये इसके न्यूमेरिकल सिर्फ वही स्टूडेंट समझ पाते हैं जिसने चैप्टर को बहुत तरीके से समझा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर को ध्यान में रखें। तो सेकंड इसका पार्ट है तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप मतलब उसको आप तिरछा फेंक रहे हैं कुछ एंगल बना के, एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, एंगुलर प्रोजेक्शन। देखिए ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई ओरिजिन। अब यहाँ पर क्या किया गया है, पिंड को इस दिशा में इस प्रकार से क्षैतिज के साथ हम थीटा कोण बना के प्रक्षेप कर रहे हैं, ये इसका प्रारंभिक वेग है u। मतलब हम अब इसको एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना के फेंक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बॉलर ने बैट्समैन को बॉलिंग किया और बैट्समैन अब उस बॉल को सिक्स मार रहा है, तो यहाँ जमीन से मारेगा नीचे से मारेगा, तो उसका आपने देखा होगा उसका जो गति का पथ है वो ऐसा होता है, ये जो मैंने रेडिंग से बनाया वो उसका गति का पथ आप समझ लो, ये उसका गति का पथ होगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो ये U है, तो U के हम दो घटक निकालेंगे, ये क्षैतिज घटक क्योंकि क्षैतिज दिशा है, और क्षैतिज घटक थीटा का पास वाला हमेशा कास होता है। मैंने एक ट्रिक्स बना के रखा है थीटा का पास कास, तो कभी भी आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं, थीटा का पास वाला घटक लिखना है तो कास ही लिखना है, थीटा का पास कास, ये एक स्लोगन जैसा है। तो थीटा का ये पास है तो यू का कास घटक होगा, ये हो जाएगा यू कास थीटा, ये इस डायरेक्शन का घटक होगा, और दूर वाला साइन होता है तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, ये दो इसके घटक हो गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो क्षैतिज दिशा में विस्थापन है इसको हमने x मान लिया, और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका जो अधिकतम विस्थापन है ये इसको हम y मान लिए जो कि ऊंचाई के भी बराबर है, और इसको हम कैपिटल R भी लिख देते हैं जो रेंज के बराबर है। जो y दिशा में विस्थापन है उसको उसकी ऊंचाई बोलते हैं, अभी मैं आपको बता चुका, और ये क्षैतिज दिशा में जो उसका विस्थापन है उसको क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास अभी आप पढ़े हो। ये इसका सिचुएशन हो गया, अब इसमें सिचुएशन के हिसाब से कुछ और चेंज करेंगे जब जरूरत होगा।
तो ये घटक को आपको सबसे पहले समझना है। यहाँ भी अपन इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है, दो पार्ट में इसका स्टडी करेंगे। मैं पहले से अपने बोर्ड के लिए स्पेस बना लेता हूँ, ऐसा एक तरफ क्षैतिज एक तरफ ऊर्ध्वाधर। तो पहला क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में दैट मीन्स फार एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए वही काम करेंगे अपन। क्या सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, एस इक्वल यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू जैसा है उसको पुट करते जाएंगे, दैट इम्प्लाइज क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या है, एक्स है, तो एस का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल यू, तो यू का जो क्षैतिज दिशा में घटक है क्या है, यू कॉस थीटा है, तो यू की जगह पुट करेंगे अपन यू कॉस थीटा और इनटू टी और प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज, ये क्षैतिज दिशा है और क्षैतिज दिशा में जी जीरो होता है, आप उसको हमेशा ध्यान रखिए। तो ये हो गया वन पॉइंट टू, यहाँ पर मैं पहले से इसको जी लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो हो गया जीरो इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। देयर फोर यहाँ से टी का मान निकालूँ मैं तो टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने टी का मान निकाल लिया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसका सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में दैट मीन्स वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर। ये दैट इम्प्लाइज ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है, वाई है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक ये मैंने लिखा है क्या, यू साइन थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा और इनटू टाइम। अब यहाँ पर माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, देखो माइनस होने का कारण क्या है, क्योंकि हम इस दिशा में फेंक रहे हैं और जी नीचे काम करता है, हम बॉडी को फेंक रहे हैं ऊपर और जी काम करता है नीचे, वहाँ पर हम बॉडी को नीचे थ्रो कर रहे थे, जी भी नीचे था तो प्लस था, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, या इसको त्वरण को आप ए ही रहने दो। देखो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन का बात नहीं है, यहाँ पर किनारे में आप लिख सकते हो ए इक्वल टू जी इक्वल टू जीरो, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर लिख दिया मैं वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर, ये माइनस क्यों हो गया, समझ गए, दिशा के कारण। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम अब क्या करते हैं, टी का जो मान ऊपर निकाले हैं उसको पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और इंटू टी का मान, तो टी का मान है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन टू जी, और यहाँ पर फिर टी का मान को पुट कर दें अपॉन एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यू यू के साथ में कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो आगे हम इसको लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल, ये यू यू कैंसिल हो गया है, एक्स टेन थीटा, इसको अपन लिखेंगे एक्स इंटू टेन थीटा माइनस, यहाँ पर आप देखो वन अपॉइंट टू और अंश में है एक्स स्क्वायर और हर में है, अंश में जी भी रहेगा, जी एक्स स्क्वायर, अंश में जी एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो एक्स को छोड़ के हम बाकी चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं, एक्स को छोड़ के ये है टेन थीटा, इसको एक कांस्टेंट हमने बी मान लिया, और यहाँ पर एक्स को छोड़ के इतनी क्वांटिटी ये, इसको एक कांस्टेंट मान लिया, मान लो ए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम उसको प्रक्षेप गति करने वाले मतलब परवलय के समीकरण के रूप में बता सकें। तो आगे हम इसको लिखें, दैट इम्प्लाइज तो वाई इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यह भी परवलय का समीकरण है जो कि परवलय का समीकरण है, ये लिखें, इसको माइनस के साथ भी ये मान सकते हैं, प्लस के साथ है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि परवलय का समीकरण है,
फिर लिख सकते हैं अपन अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो वहां पर भी हमने प्रक्षेप के पथ को परवलयाकार प्रूफ किया था, यहां पर भी किया है। बाय द वे आपके एग्जाम में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, आप फ्री है। लेकिन यदि टीचर ने क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि जब पिंड को क्षैतिज फेंका जाए तो उसमें प्रूफ करना पड़ेगा, और पिंड को तिर्यक फेंका जाए तो आपको इससे करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में प्रूफ होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब यहाँ पर भी हम वही सारे टर्म्स यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ये सब चीज़ यहाँ पर भी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाई वन हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं उड्डयन काल की गणना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन आया है, ये फाइनल इक्वेशन आप इसको याद रखना, ये बहुत जगह न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्लियर, ये न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम आता है। एक्स टेन थीटा माइनस वन पॉइंट टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कई जगह न्यूमेरिकल में काम आता है। ये तो केवल ये प्रूफ किया है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज उड्डयन काल। उड्डयन काल फ्लाइट टाइम, यहां पर भी उड्डयन काल का परिभाषा वही है कि कितने देर तक हमारा जो पिंड है वह फ्लाइंग करेगा, उड़ेगा, यह क्या कहलाता है उसका उड्डयन काल। तो यहां पर आप देखो, उड्डयन काल निकालने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चूंकि एस इक्वल यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर, उड्डयन काल मतलब किधर जा रहा है, वो वाई एक्सिस में थ्रो किया जा रहा है, यहाँ पिंड को वाई डायरेक्शन मैंने ऊपर फेंका जा रहा है, तो वाई एक्सिस में इसका जो विस्थापन होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और दोबारा यहाँ पर आके वो गिरा, तो वाई एक्सिस में फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस दिशा में इसका विस्थापन जीरो हो गया, दैट इक्वल वाई दिशा में इसका घटक क्या है, यू साइन थीटा। उड्डयन काल को हमने कैपिटल टी मान लिया, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस हो जाएगा वन अपॉइंट टू जी और टी स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी नीचे जीरो होगा। दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वन अपॉइंट टू जी टी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, दैट इम्प्लाइज इसको कैपिटल टी ना। अब यहाँ पर आप देखो, एक टी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर ट्रांसफर कर दो तो टी इक्वल टू टू यहाँ जाके टू यू साइन थीटा और जी नीचे अपॉन जी, ये है उड्डयन काल का फार्मूला, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो जैसे एग्जाम में उड्डयन काल निकालने बोले तो आप यहाँ तक निकालेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है क्षैतिज परास। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें अधिकतम ऊंचाई निकाल लेते हैं, पहले अधिकतम ऊंचाई, उसके बाद निकालेंगे क्षैतिज परास। अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, देखो ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये पिंड यहां तक गया फिर यहां पहुंचा और इसके बाद फिर ये नीचे गिरना शुरू करता है, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, चूंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको लगा दें तो दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर आप देखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो फार्मूला पर निकालेंगे तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, पिंड ऊपर जा रहा है तो अंतिम वेग यहाँ पर आके इसका अंतिम वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट में पिंड रुक जाता है क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर आके गिर के रुक जाएगा तो अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। प्रारंभिक वेग क्या है, हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊंचाई में जाने के लिए ऊपर फेंकेंगे, तो हो जाएगा u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और ऊपर जा रहा है तो माइनस टू और g इसको ले लिया h, दैट इम्प्लाइज अब इसको इधर ट्रांसफर कर दें
तो 2gh इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है इसके अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला। बहुत आसान मेथड से मैं बता रहा हूँ, यदि आप कुछ राइटर्स की बुक कंसल्ट करते हैं उसको आप पढ़ना। कई राइटर ने इसको, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, कई राइटर ने इसको बहुत लेंदी तरीके से बताया है। यहाँ पर वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के बजाय उन लोग यूज़ कर देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये टाइम को ला के वहाँ पर जो टी की जगह पुट अप करते हैं, फिर टी को इलिमिनेट करते हैं। ये कैलकुलेशन, अभी आप बुक्स भी पढ़ेंगे या फिर और कुछ भी आपके पास रिसोर्स होगा, ये कैलकुलेशन कम से कम 7-8 स्टेप तक ले जाते हैं। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप स्मार्ट वर्क करिए, प्रॉपर फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका डेरिवेशन बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप कन्फ्यूज मत होंगे कि मैं छोटा कैसे कर दिया, मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया इसलिए छोटा हो गया हो। थर्ड है क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये पहले बता चुका हूं मैं कि पिंड एक्स एक्सिस में जितना अधिकतम दूरी तक करता है, सॉरी यहीं से हम मिसाइल का रेंज डिसाइड करते हैं। जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे कि अग्नि 5 का परीक्षण किया गया, इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि यदि मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया जाए तो 5000 किलोमीटर में जाके वो रुकेगा। अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, इसमें बहुत मजा आएगा। तो सब एप्लीकेशन तो वहीं मजा आता है, एक्चुअल में फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को इंजॉय करना है तो न्यूमेरिकल्स। खाली ये पढ़ने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ के तुमको कोई छोड़ दिया, तुमको ये नहीं पता चला ये क्यों निकाला, कुछ पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स से ही एप्लीकेशन पता चलता है कि हम फिजिक्स के कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स नहीं करता वो फिजिक्स को इंजॉय नहीं कर रहा है, और फिर कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल के बिना क्या हाल है आपको पता है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर उसको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन चैप्टर तैयार रहेगा तो क्षैतिज परास क्या होगा, आर। तो क्षैतिज परास आर बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर वेग गुणित समय। तो क्षैतिज दिशा में वेग क्या है, यू कॉस थीटा है, ये हो गया यू कॉस थीटा, और इनटू टाइम क्या है टी, ये जो हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इम्प्लाइज को पुट कर दें तो यू कॉस थीटा इनटू टी का मान क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, दैट इक्वल। अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने से आप देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ये 2 और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप मेरे बेसिक मैथमेटिकल के वीडियो को देखिए। मैं कितने बार याद दिलाता हूँ अपने हर वीडियो में, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम उसके बिना फिजिक्स में कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो हम लिख देंगे यू स्क्वायर को पहले लिख दिए, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है क्षैतिज परास का फार्मूला, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तीन फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला, पहले उड्डयन काल, फिर अधिकतम ऊंचाई, फिर क्षैतिज परास। अब हम क्षैतिज परास पर कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैं इस पर स्पेशल केस आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। इसका चाहें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं बीच को इरेज कर रहा हूँ, और इसका क्षैतिज परास का कुछ आपको स्पेशल कंडीशन में बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम किसी क्षण पर इसकी गति का कैलकुलेशन करेंगे। इसी के आगे स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है देखिए, यहां पर ये जो क्षैतिज परास है इसमें हम यदि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 ले लें, या हम लिखें सीधा अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास, तो हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, तो +1 साइन का सबसे बड़ा वैल्यू है। तो अधिकतम परास के लिए
साइन टू थीटा के वैल्यू को क्या होना चाहिए, वन। दैट इंप्लाइज इसको लिए हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा इक्वल वन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री 90 अंश, दोनों तरफ से साइन हट जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स ये कांसेप्ट क्या कहता है कि यदि हम प्रक्षेप को, यहाँ पर आप देखो ये थीटा है, थीटा का मान को यदि हम 45 अंश रख दें तो प्रक्षेप सबसे अधिक दूरी पर जाके गिरेगा, मतलब इसका रेंज सर्वाधिक हो जाएगा। इस समय क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम होगा और उसका फार्मूला हो जाएगा कि साइन 2 थीटा को हमने 1 ले लिया है तो हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या हो गया 1 हो गया। तो ये है अधिकतम परास के लिए फार्मूला, क्लियर। इतने डिग्री से फेंकने पर रेंज अधिकतम होगा, मतलब यदि हमको किसी बॉडी को, किसी मिसाइल को सबसे ज़्यादा दूर तक जाके गिराना है तो हमको उसको क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बना के फेंकना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि देखिए यदि थीटा को 90 माइनस थीटा लिखा जाए, यदि थीटा को 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू और थीटा के मान को रख दिया मैं 90 माइनस थीटा और अपान जी, इसको मैं सॉल्व किया तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 माइनस टू थीटा होगा अपॉन जी। दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा, ये सपोज मैंने कर दिया आर डेस आर डेस आर डेस तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो फार्मूला आर डेस आया वह यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी के बराबर है। दैट मीन्स ये किसके बराबर है, आर के। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यदि किसी पिंड को थीटा से फेंका जाए या 90 माइनस थीटा से फेंका जाए, यदि किसी पिंड को थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए या 90 माइनस थीटा से किया जाए तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, परास समान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए परास समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको आपको इस तरह से बताऊं कि जैसे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया कि एक पिंड को 30 अंश के कोण से फेंका गया है, उसे कितने अंश के कोण बना के फेंकें कि पिंड वहीं जाके गिरे। मैं यहाँ पर एक ग्राफ से समझा देता हूँ, वो वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ओरल नहीं समझेंगे, तो यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ। देखिए ये वाला पोर्शन में स्क्रीन शॉट तो ले लिए थे, इस वजह से आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स के लिए आप परेशान नहीं होना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी 12th के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम तो प्रिपेयर है आप लोग के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखना पड़ रहा है तो रेडी होगा, कुछ डिले चलेगा 11th क्लास को। सबसे पहले मैं 12th बोर्ड एग्जाम में करके प्रायोरिटी देके बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कि सपोज ये एक अपन ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि सपोज एक पिंड को हम 30 अंश का कोण बना के फेंके और यहाँ गिरा हो, कितने से, 30 डिग्री से। अब क्वेश्चन में पूछे कि कितने डिग्री से और फेंकने से वह वहीं गिरेगा, तो मैं बोला हूँ कि थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए परास क्या होता है, समान होता है, ये मैं बताया। तो ये 30 है तो 30 तथा 90 माइनस 30 दैट मीन्स 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या होगा, परास समान होगा। माने यदि पिंड को मैं यहाँ से 60 डिग्री के एंगल बना के फेंकूँ, ये मान लो 60 अंश का मैं कोण बना के फेंकूँ तो पिंड क्या है वहीं गिरेगा। आगे आपको समझ में, तो किसी भी संगत कोण को आपको निकालना है तो 90 अंश से निकाल दीजिए। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सपोज मैं किसी पिंड को 15 डिग्री से 15 डिग्री से फेंका तो तथा क्या निकालना है, 90 माइनस 15 ये तो कितना आएगा, 75। तो यदि 15 से फेंका गया है तो 75 से फेंकने पर वही जाके गिरेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक फिगर बना देता हूँ कि सपोज मैं किसी पिंड को 15 से फेंका तो यहाँ गिरा, ये 15 डिग्री है। अब उसको यदि मैं 75 डिग्री से फेंक दूँ, ये 75 से तो यहीं आके गिरेगा, ये मान लो 75 अंश है।
जो भी आप देख लेना, ये मान लो 75 आंसर। अब आपको समझ में आ गया कि 30 और 60 के लिए समान मतलब परास होगा, 15 और 75 के लिए समान परास होगा। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिए कि थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए परास क्या होता है, समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 45 के लिए अधिकतम 45 से ज़्यादा तो कोई जा ही नहीं सकता, जितने भी कोण होंगे 45 के पहले ही गिरेंगे। तो ये क्षैतिज परास पर स्पेशल केस है, इसको आप ध्यान रखना। इसमें से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट टॉपिक, लास्ट केस इस पर, जो उसमें भी पढ़े थे, किसी क्षण में वेग, किसी क्षण पर वेग मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी क्षण विशेष में, फोर्थ नंबर पॉइंट है ना, किसी क्षण पर प्रक्षेप का वेग, या खाली वेग भी लिख सकते हैं, किसी क्षण पर प्रक्षेप का वेग। तो यहाँ पर किसी क्षण पर हम एक पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर फिगर को थोड़ा ध्यान से रखना, यहाँ पर जो घटक बना रहा हूँ मैं, सपोज पिंड यहाँ पर है किसी क्षण पर, तो यहाँ पर इसके वेग की जो दिशा होगी इस दिशा में होगी, ये इसके वेग की दिशा होगी। अब यहाँ पर हम देखो इसके घटक निकालें, तो इसका इस दिशा में जो घटक होगा ये ऊर्ध्वाधर घटक ऐसा होगा, और क्षैतिज घटक ऐसा होगा ये, और ये जो कोण है, ये जो बीच में जो कोण बनाया मैंने उसको मान लो आप बीटा, ऐसा घटक होगा। तो ये वाला क्या है, क्षैतिज घटक इस दिशा में है, इसको हम बोल दिए वी एक्स, ऊर्ध्वाधर घटक है इसको बोल दिए वी वाई। अब यहाँ से हमने इस पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जैसे उसमें किए थे। तो यहाँ पर भी हम यदि पाइथागोरस थ्योरम निकालें, तो ये जो वी घटक है ये कर्ण है, ये लंब है वी वाई, और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगाए हम, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए परिणामी वेग या किसी क्षण पर वेग कह सकते हैं, इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर पाइथागोरस के प्रमेय से, कर्ण है लंब है आधार है। परंतु यहाँ पर आप देखो कि वी एक्स का जो वैल्यू है, ये जो वी एक्स है वो क्षैतिज दिशा के समांतर है, तो यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक उसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा यू कॉस थीटा तथा वी वाई बराबर। तो वी वाई निकालने के लिए हम वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला लगाते हैं। तो वी वाई बराबर देखो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक क्या है, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये u साइन थीटा, और यहाँ पर ये g माइनस होगा क्योंकि हम पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं, g नीचे लग रहा है, और ये माइनस g, और t का क्या रहेगा t। तो v y इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g t होगा। इस मान को यहाँ पर हम भर दें तो v बराबर हो जाएगा रूट ऑफ vx का वैल्यू u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v y का वैल्यू ये निकला है, तो u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व कर दें, तो दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2u साइन थीटा जी टी, और ये हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इक्वल रूट ऑफ इसको आगे और सॉल्व करें, तो यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वन हो जाएगा। तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका किसी क्षण पर वेग निकालने का फार्मूला। मान लो हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रक्षेप का वेग निकालना है, तो इस फार्मूला से वो निकलेगा, फिगर में ऐसा करेक्शन कर लेंगे। और उसी टाइम पर सपोज हमको इसकी दिशा चाहिए, तो हम दिशा भी निकाल सकते हैं। दिशा निकालना है, एक लाइन का काम है, क्या निकालेंगे अपन, टेन बीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप टेन बीटा लंब, तो लंब क्या है वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट इम्प्लाइज
टेन बीटा इक्वल टू वी वाई का हम वैल्यू निकाल के रखें यहाँ से, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी और अपान ये यू कॉस थीटा। देयरफॉर यदि हम बीटा निकालना चाहें तो टेन उधर जाकर टेन इन्वर्स हो जाता है, तो टेन इन्वर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा, ये फार्मूला निकल जाएगा। इस तरह से ये इसका किसी क्षण पर पिंड का वेग है, अब वो क्या है उसकी दिशा है। तो देखिए यहाँ पर किसी क्षण पर वेग हमने निकाला, तो आज आपके आपने इस सेशन में देखा प्रक्षेप गति का दो पार्ट मैंने पढ़ाया, एक जब पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए और दूसरा जब पिंड को तिर्यक प्रक्षेप किया जाए, और इसमें बहुत से फार्मूला डिराइव किए गए जिसमें उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, किसी क्षण पर पिंड की गति, फिर तो फार्मूला डेरिवेशन इसमें बहुत रहा। आप इस वीडियो को एक बार बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन मेरा आपको ये है कि जितने इसमें फार्मूला डिराइव किए गए हैं ये फार्मूला आप लर्न करिए, क्योंकि इनके बिना आपको इनके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार करोगे फिर मैं न्यूमेरिकल में आपके साथ आऊँगा, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। ओके, थैंक यू।